Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. Let's start and do current affairs for the month of September. Firstly, looking at the national news, 23rd Law Commission has been approved by President Draupadi Murmu. Now, 22nd Law Commission was under the chairmanship of Mr. Rituraj Awasthi, and he suddenly resigned, which is why the mandates, jo bhi socha gaya tha, us 22nd Law Commission ke through, wo cheeze, jaise ki Uniform Civil Code, aise kuch important cheeze implement nahi ho paayi, aur ab नई कमीशन अप्रूव हो चुकी है. देन नेक्स्ट इज विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई गई. नाउ दिस इज बेसिकली आप देख रहे होंगे कि कोविड के बाद बहुत सारे और वायरसेस भी आए, अभी एमपॉक्स बिकेम प्रेवलेंट, तो ये जोनोटिक डिजीजेस जो फैल रहे हैं इसको लेके ये एक इनिशिएटिव किया गया है अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसका बेसिकली एम है कि कंट्री बेटर प्रिपेयर्ड हो फॉर सच आउटब्रेक्स. देन हमारी ये जो मिनी नवरत्न मिनी रत्न कंपनीज हैं एनएचपीसी, SJVN और रेलटेल, इनको नवरत्न स्टेटस ग्रांट कर दिया है और ये अब 18th, 19th एंड 20th रिस्पेक्टिवली कंपनीज बन चुकी हैं टू गेट दिस टाइटल. अगर आपको पता होगा नवरत्न बनने के लिए इट इज इम्पेरेटिव कि पहली बात तो आप एक मिनी रत्न हो ऑलरेडी, तो ये मिनी रत्न तो है ही ऑलरेडी, प्लस इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है और इनकी जो अदरवाइज परफॉर्मेंस है इन देयर सेक्टर्स दैट इज ऑल्सो एक्सीलेंट, विच इज वाई इनको नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है. नाउ इंडिया ने बायो E3 पॉलिसी लॉन्च करी है जहां पे गवर्नमेंट विल बी यूजिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस. फिर आगे देखते हैं DPIIT ने, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भास्कर करके प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है. दिस बेसिकली मीन्स भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री. इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आप ये सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगी फॉर स्टार्टअप्स एंड दे विल प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर देम ताकि कोलैबोरेशन अच्छे से हो सके, नेटवर्किंग हो सके. ये इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया के अंदर लिया गया है. देन वेस्ट बंगाल असेंबली में अपराजिता बिल पास हुआ. अगर आपको ऑलरेडी पता ही होगा RJ Kar मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो हुआ उसके बाद ये बिल लाया गया है बाय द गवर्नमेंट, और इसमें बेसिकली पर्पस ये है इस बिल का कि कुछ अमेंडमेंट्स करी जाए, जैसे जो लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट फेस करते हैं फॉर द हीनस क्राइम ऑफ रेप उनको परोल ना ग्रांट किया जाए. देन जुवेनाइल जस्टिस में भी थोड़े से पॉक्सो में सॉरी अमेंडमेंट्स किए जाए, एंड ट्रायल जो है वो 30 डेज के अंदर किया जा सके. ये ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के थ्रू लाए गए हैं वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज में. देन इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं. इंडियन ऑफिशियल्स जो है उन्होंने यूरोप विजिट किया टू इनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन ताकि मिलिट्री पार्टनरशिप्स पे फोकस हो पाए. देन इंडिया ने अनाउंस किया सेमी कंडक्टर पार्टनरशिप अलॉन्ग विद US to strengthen the semiconductor supply chain. Moving forward, awards and honors देखते हैं. ICMR ने 2024 UN Interagency Task Force Award जीता है. This is basically for fighting non-communicable diseases and improving mental health. Then Raman Magsaysay Award, जो basically Asia का Nobel बोला जाता है, वो दिया गया है Hayao Miyazaki को. अब ये award basically दिया जाता है for cinema and culture. तो इनको ये award grant किया गया है. देन स्पोर्ट्स में आप जो पिक्चर में देख रहे हैं विद्या रामराज ने शी इज 39 ईयर ओल्ड 400 मीटर हर्डल्स में रिकॉर्ड तोड़ा है नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और ये रिकॉर्ड जो था वो पहले PT उषा के नाम पे था एंड नाउ शी इज द वन हु होल्ड्स द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स. देन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड कंडक्ट कराएगा. ऑस्ट्रेलिया पहले ये कराने वाला था, नाउ दे विड्रॉन बिकॉज ऑफ कॉस्ट इशूज, प्लस ग्लासगो विल ऑल्सो वेलकम the players at a smaller scale. Then Kamal Chawla ne gold medal jeeta hai at IBSF World Men's 6 Red Snooker Championship 2024 and inhone Pakistan ke player ko haraya in the finals, and India ka 3 bronze medal aaye hain at this tournament. Then India ke liye chess mein bahut important victory hui hai is baar at the 2024 chess olympiad jo Budapest mein conduct hua tha. Yahan par Indian team ne men's mein bhi aur women's category mein bhi gold jeeta hai and this is a big moment for India. Then MMA debut kiya hai Sangram Singh ne apna at the Gama International Fighting Championship jo Georgia mein hui, and this basically opens the doors for Indians. Then India ka men's hockey team has won Asian Championship trophy for 2024 एंड इन्होंने चाइना को डिफीट किया. देन इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं. 22nd सितंबर 2024 को द वर्ल्ड लीडर्स हैव कम टुगेदर और इसको पैक्ट फॉर फ्यूचर इन्होंने अडॉप्ट किया है इस दिन ताकि ग्लोबल पीस, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी प्रमोट की जा सके. देन सितंबर 7 इज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन.
8th September is International Literacy Day. National Forest Martyrs Day is on 11th of September. Then Antaryodhya Divas 25th September ko to commemorate Pandit Deen Dayal Upadhyay's birth anniversary and 26th September ko International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons manaya jata hai. Reports and indices dekhte hain, India has become the largest plastic polluter in the world, which is not good kyunki population itni zyada hai to itna zyada plastic waste generate ho raha hai India se. Then 2024 state of global air report ke according India mein jo bhi under 5 kids hain 464 of them die from air pollution in India, and India mein second largest cause air pollution hai up for young children to die. Then एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया हैज रिजन टू द थर्ड प्लेस, इंडिया हैज सरपास्ड जापान. इसमें बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक रिकवरी करी है आफ्टर कोविड पैंडेमिक. देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की अगेन इट हैज रिजन टू 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज. अपॉइंटमेंट्स में फर्दर जस्टिस मनमोहन was appointed as the Chief Justice of the Delhi High Court, and I've been very fortunate कि मैंने इनके सामने आर्ग्यू किया है during my legal practice in the initial years, and I feel he's a very good judge, and I have always been waiting for him to be the Chief Justice, which is happening now. Then जितेंद्र जय यादव को भी अपॉइंट किया गया है as Director General of ADA Aeronautical Development Agency. Then अनुराग गर्ग को जो IPS ऑफिसर हैं उनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. एंड अमित शाह को पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का फिर से यूनानिमसली चेयरपर्सन इलेक्ट कर दिया गया है. देन अमृत मोहन जो IPS ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर से, ही इज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल. एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली नोटिफाई किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ द 8 हाई कोर्ट्स. जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बाकी की अगर बात करें तो जस्टिस राजीव शक्तर जो पहले ही वॉज ऑल्सो एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड अगेन अ वेरी गुड जज, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट. फिर हमारे सुरेश कुमार कैथ अगेन एट दिल्ली हाई कोर्ट, ही इज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट. देन इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी हैं ये, इनको ये पहले कैलकटा हाईकोर्ट में थे, नाउ ही हैज बीन शिफ्टेड टू मेघालय हाईकोर्ट एज द चीफ जस्टिस. देन नितिन मधुकर जामदार जो बॉम्बे हाईकोर्ट में थे, ही हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट. एंड ताशी राबस्तान हैज बिकम द चीफ जस्टिस फॉर JNK एंड लद्दाख, ये पहले JNK लद्दाख में ही थे, ही वॉज द एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड नाउ इज द चीफ जस्टिस. देन श्रीराम कलपति राजेंद्रन जो बॉम्बे हाईकोर्ट में थे, इनको मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. और फाइनली जस्टिस MS रामचंद्र राव जो हैं, इनको झारखंड हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है, ये पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे. विथ दिस आर करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड्स. अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़नी है बिकॉज वी कवर हाईलाइट्स हियर, देन यू कैन चेक आर वेबसाइट www.lawdigest.in जहां पर हम आपको मंथली PDFs प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद 150 MCQs टू प्रैक्टिस एवरी मंथ. सो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू हैव 1800 MCQs फॉर प्रैक्टिस, विच इज अ लॉट. एंड बाकी अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए रिगार्डिंग एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट लीगल करियर, देन यू कैन रीच आउट टू अस. डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं जहां पर हम अवेलेबल हैं. बाकी मेक श्योर ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.